एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 5 करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 1। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर इधर क्या कर रहे हो, नहीं देखा जाके देख के आओ। चलो आओ, इसका हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, हम रोज तो यूज़ करते हैं इंटरनेट, सारे दिन इंटरनेट पे तो रहते हैं। इंटरनेट दो वर्ड से बनता है, इंटर प्लस नेट। इंटर होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से। ग्लोबली जब डेटा ट्रांसफर होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमारे घर में इंटरनेट लगा के जाता है या वो हमें मोबाइल देते हैं, इसके थ्रू हम वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और ये हम अपने सेलफोन्स में भी लगा सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में भी लगा सकते हैं, इंटरनेट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ यूजेस हैं, जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं ग्लोबली, मतलब अगर मुझे कनाडा में देखना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, या फिर मुझे कोई भी कंट्री में देखना है तो मैं देख सकती हूँ, या वहाँ पे बिना जाए मैं इंटरनेट खोल के देखूँगी व्हाट इज़ देयर इन कनाडा, या मुझे कोई देखनी है जगह, या तो मुझे सर्च करना है किसी के बारे में, मैं ग्लोबली देख सकती हूँ। इसके थ्रू हम इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर अपना बैलेंस देखना है मैं वहाँ बैंक में जाऊँ। आप अपना वेबसाइट खोल सकते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आपका मन करे, यार मुझे अभी जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत दूर है हमारे घर से शॉप, चलो अभी यहीं पर कर लेते हैं शॉपिंग। ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। अगर मुझे जैसे यार किसी को सेंड करनी है फाइल, मुझे वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा अपने बॉस की, उनको बस सेंड कर दूँगी या मेरे बॉस रिसीव कर लेंगे। ज़रूरी नहीं उनके ऑफिस में जाऊँ, वहाँ पे लाइन लगी हो, हम उनको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल। हम कहीं के भी न्यूज़ देख सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं हमारी यूट्यूब पर, ये इंटरनेट के थ्रू ही आप देख रहे हैं। और हम जैसे पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉग्स को, रिटन मटेरियल देख सकते हैं हम, इसके अंदर हम ट्विटर यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ ही कर रहे हैं हमारे इंग्लिश ऑनर्स हब देखने के लिए। और हम कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग मीट पे रख सकते हैं, जूम पे रख सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम मीटिंग रख सकते हैं। मुझे किसी से जाना नहीं पड़ेगा कनाडा, उससे मिलने मैं उनको बोल सकती हूँ, वी कैन कनेक्ट थ्रू इंटरनेट, हम वो यहाँ पे आ सकते हैं देखने एक मीटिंग प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ज़रूरी नहीं है। अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया, टाइम बच गया, मनी बच गई, और इंटरनेट के थ्रू बहुत बड़ी ये एडवांटेज है। अब अगला है URL। URL क्या होता है, जब हम लिखते हैं www.google.com, ये हमारा URL है, हम एंटर करते हैं, फिर जो हमारा वेब पेज आता है उससे हम URL कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है। अब सर्च इंजन कहते हैं, कितने सारे सर्च इंजन हैं, वैसे पहले याहू होता था, अब गूगल भी बहुत बड़ा सर्च इंजन है। जहाँ हम कुछ भी, जैसे हमें किसी के नोट्स चाहिए होते हैं, हमें इस चैप्टर के अब नोट्स चाहिए, हम कहाँ से जाके देखेंगे, हम यहीं पे आके नोट्स देखने पड़ेंगे। मुझे किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, मैं जाके गूगल पे देख सकती हूँ, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नेट पे इस सर्च इंजन में देख सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में, तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वर्ल्ड वाइड वेब में हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, किस मीडियम से, इंटरनेट के थ्रू। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा हम एक्सेस कैसे करेंगे, इंटरनेट ही नहीं आएगा, फिर हम गूगल ही नहीं चलेगा, हमारा वेब ही नहीं चलेगा, तो क्या फ़ायदा। और वेब पेजेस आते हैं वेब ब्राउज़र में, जब हम सर्च करते हैं एक बहुत बड़ा पेज आता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। और इंटरनेट के अंदर वेब ब्राउज़र, वेब पेजेस, वर्ल्ड वाइड सब कुछ होता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया था ना सबसे ऊपर कि वर्ल्ड वाइड वेब एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का। अगला है ब्लॉग्स। ये ब्लॉग्स में लोग अपने डायरीज लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं इंटरनेट पे। आईपी एड्रेस, ये एक एड्रेस या सिस्टम होता है जो कंप्यूटर्स में होता है ऑलरेडी, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये आईपी एड्रेस होता है। अब ये यूआरएल की फिर से बात करें, यूआरएल होता क्या, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम एंटर करेंगे और हमारा वेबसाइट आ जाएगा, जो सर्च है इसे हम यूआरएल कहते हैं, या ये हमारा यूआरएल हो गया। अब ये कहते हैं द टॉप लेवल डोमेन इज TLD, TLD ये हमारा पूरा TLD टॉप लेवल डोमेन, फिर .com आता है, या इसमें यहाँ पे .com आ गया, या HTML कंपनी का नाम, जैसे हम बहुत सारे हमारे दिए हुए इन्फो, कभी लोग इन्फो लिख देते हैं, या कभी www. लिख देते हैं, या कॉप या गॉव,
ये सब कॉमन है कुछ। अगला है हमारा नेट भी लिख सकते हैं, जैसे नेट ऊपर लिखा हुआ ना यहाँ पे, नेट कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगला है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, ये है क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। ये बहुत वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत कॉमन, जैसे कि एक ऑफिस है उसके अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे क्लाइंट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, तो हम उस क्लाइंट के बारे में कोई दे सकते हैं और फिर हम क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसे हम क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कहते हैं। अगला है लैन या वैन। लैन एक लोकल एरिया में, जैसे कि लोकल एरिया हम मानते हैं स्कूल, स्कूल के राइटिंग लैब में हो गया या कंप्यूटर लैब में हो गया या उसके बिल्डिंग में, एक कन्फाइंड बिल्डिंग में हम कहते हैं उसे लैन। वैन इज वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर एक स्टेट, एक कंट्री का नेटवर्क होता है, एक कन्फाइंड एरिया का नहीं, इसके अंदर लार्ज नेटवर्क है। वाइड से हम जान सकते हैं पूरा, लोकल मतलब बहुत छोटा। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, जहाँ पे वो अपना सारा डेटा लिख देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं अपने ही यहाँ के लोगों को, जिससे वो इंटरनेट में अपनी इंफॉर्मेशन डाल दें और बाकी लोग ले देख लें उससे। बस वो उनके ही एम्प्लॉयज़ ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई बाहर का एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। हर एम्प्लॉय के पास उसका अपना पासवर्ड होता है वो डालने के लिए। ये रीज़न दे रहे हैं कि इंटरनेट इतना पॉपुलर क्यों है, इसलिए क्योंकि ये बहुत पॉलिसीज में बेनिफिट है कि कोई भी यहाँ पे आके देख सकता है। इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई सेल्स डिपार्टमेंट ने हमने कुछ डाउनलोड या प्रिंट करना है तो वो कहीं भी जाके व्यू कर सकता है, वो किसी भी साइट पर जाके एंटर कर सके देख सकता है। जैसे कोई बॉस है, बॉस को देखना है कि मेरे अंडर जो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है अपने वहाँ पे लोगों को, वो बोलता है कि आप डाल दो मैं आपका देख लूँगा जो वर्क उन्हें डाला है। तो इससे एम्प्लॉय को वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं से देख सकता है। अब एक्स्ट्रा नेट होता है कि जो कंपनी है हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों, सप्लायर को दे देता है, कस्टमर को देता है, कुछ कुछ पासवर्ड देता है, कुछ ज़्यादा नहीं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। इससे क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन का नीड नहीं है, एडवांटेज आ रहे हैं ये फेस टू फेस। यहाँ पर टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एनर्जी बचेगा, अपडेट जल्दी हो जाता है यहाँ पे, जैसे सब और सबको एक्सेस हो जाता है ईजिली। और अब ये बता रहे हैं बिजनेस में यूज़ क्या होता है, क्या अब कोई भी इंटरनेट अलाउ करता है कि हम कोई भी टेक्स्ट, फोटो, वीडियो एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। हम वर्क फ्रॉम होम भी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं कि अगर मुझे घर पे इससे बीमार हूँ मैं, इसे कोविड में तो ये बहुत कॉमन था, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा था, ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम होम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टाइम में। अब ये ई कॉमर्स एक्टिविटी भी बहुत अलाउ करता है, इसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर के बारे में जान सकते हैं, ट्रेड देख सकते हैं कि हमारे कितना चल रहा है, गवर्नमेंट देख सकते हैं कि अगर उसने कितना टैक्स दे रहा है, बिजनेस के अपने डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। और इसके अंदर हम ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं है ना कि एम्प्लॉय यहाँ पे आए और वो स्पेशली ट्रेनिंग लें, उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग साइड बाई साइड दे सकते हैं। इधर हम अपना रिज्यूमे दे सकते हैं और जिन कंपनी को लगता है कि ठीक है ये हमारे लिए केपेबल एम्प्लॉय है, उनको वो ईजिली एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये तो एम्प्लॉय के लिए भी सही है और कंपनीज के लिए भी सही है। तो ये कह रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे प्रिंटेड वर्जन मेरे PDF बना के भेज दो, या कहीं से कॉपी पेस्ट कर दो, फॉर्मेट पेस्ट कर अपनी चीज़ें लिख दो, या फिर उसको हम स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन कर दो उसको भेज दो स्कैन करके। अगला हमारा टॉपिक है कि हम कैसे पोस्ट करें अपने ई रिज्यूमे, ई मेमोस कैसे पोस्ट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू। ऑब्वियसली हम इंटरनेट के थ्रू ही इससे हम पोस्ट करते हैं, इससे हमारी जो कंपनी होती है उनके लिए ईजिली होता है कि वो इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय के बारे में देख सके और जल्दी से उनको अपने वहाँ पे रख सके। और ये दो कैटेगरी में आता है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको आना है सेम टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ई टेक्नोलॉजीज में आ जाते हैं वो। और ये जो एसिंक्रोनस है इसका मतलब सेम टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि सब आए वहाँ पे, जैसे कि डिस्कशन बोर्ड ज़रूरी नहीं है कि सब आए, ईमेल्स में ज़रूरी नहीं है सब ईमेल भेजे। कुछ मेथड्स हैं ई कम्युनिकेशन के, ईमेल हम भेज सकते हैं अपने वॉइस को कि वॉइस हमने काम कर दिया, ज़रूरी नहीं उनके पास जाए हम, उनका भी टाइम वेस्ट होगा हमारा भी, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हैं अच्छे से। अगला है कोलैबोरेशन, हम दूसरों से, हम
एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़। आजकल देख रहे हैं कि बहुत यूट्यूबर एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं एक दूसरे से कोलैबोरेट करके। अगला है इंस्टेंट मैसेज। मैसेज कर सकते हैं हम किसी को कि हम नहीं, मेरे बॉयस को कि हम नहीं आ रहे हैं, ये बहुत इजीली मैसेज है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े लेटर लिखें, मे भी वो नहीं पहुँचे हमारे बॉयस तक। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सबसे ईजी वे आजकल, मीटिंग कहीं से भी हम मीट कर सकते हैं। किसी भी दूर कोई दूर रहता है वो नहीं आ सकता, मे बी उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ज्वाइन कर सकता है। उसका मनी बच गया, टाइम बच गया, बॉस से डांटने पड़ी वो सही हो गया। अब वॉइस कॉल भी हम कभी कभी करते हैं ना अपने दोस्तों से, इसे कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम वॉइस कॉल ज़्यादातर ही करते हैं अपने दोस्तों को। अब प्रॉब्लम फेसिंग द इंटरनेट, अब इंटरनेट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पोस्ट कर दिए हमारे वहाँ पे, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सब सोचेंगे यार अब कहाँ गया बोला, तो एक डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। अगला है ट्रैफिक जाम। अगर एक साइट पे बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो साइट जाम हो जाती है और फिर वर्क नहीं करती, और हमें जैसे कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है हमें या कोई जल्दी से एक्सेस करना है तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस टाइम पर। हमें हमारे बॉस डांट पर पिट सकती है इस टाइम पर। अब साइबर क्राइम्स तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कोई भी हमारे सिस्टम में आके वायरस डाल देगा या वर्म डाल देगा। वायरस से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एकदम पूरा सिस्टम, वायर डिलीट हो जाएंगी आपकी, या कोई वो एक्सेस कर सकता है हमारी फाइल्स को, इंपॉर्टेंट फाइल्स कोई और एक्सेस कर सकता है। वर्म्स क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते रहते हैं फाइल्स, जितनी फाइल्स हैं उनको डुप्लीकेट करते रहेगा, इतना ज़्यादा स्पेस हो जाएगा कि ई ट्रैफिक होता है। मैंने क्या होता है जब बहुत ज़्यादा फाइल्स एक सिस्टम में आती है वो एकदम मे बी हैंग हो जाएगा सिस्टम और फिर चलेगा नहीं। अब ये बताते हैं कि हम क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। पहला कि सबको पासवर्ड दे दो, इससे साइबर क्राइम कम होंगे। फिर जो भी बाहर हैं उनको सब देखो, जो बाहर से लोग आए हैं उनको देखो, प्रॉपरली स्क्रीन करो कि सही है वो लोग कि नहीं। फिर एंटीवायरस अपने सॉफ्टवेयर में डाल दो, फिर में जो वायरस है वो जल्दी ना आ पाए। फायरवॉल्स भी डाल दो अपने कंप्यूटर में, जिससे हम जब एक्सेस करें कोई कंप्यूटर की वेबसाइट हमें पहले ही बता देगी ये गलत वेबसाइट है आप यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट से भी वायरस आना और वर्म्स आना हो सकता है। कि और हमारे पास एक बैकअप प्लान में हो सकता है होना चाहिए कि अगर कोई डेटा हमारे से डिलीट हो जाए या सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास प्लान बी होना कंपलसरी है। तो आज की वीडियो में इतना बहुत था और इधर हम एंड करते हैं। अगर इधर तक देख लिया क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करके आओ। कुछ समझ नहीं आया डायरेक्ट कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।